इंडिया में किसी भी पार्टी को लेफ्ट विंग या राइट विंग कहने से पहले हम उसकी आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट विंग की। लेफ्ट विंग की जो आइडियोलॉजी होती है वो बेस्ड होती है इक्वालिटी पर, मतलब समाज में सभी को इक्वल राइट्स और इक्वल फ्रीडम मिलनी चाहिए। दूसरी जो ये बात करते हैं वो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ रिलीजन की, मतलब रिलीजन का, धर्म का सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा स्टेट, ऐसी जहां पे गवर्नमेंट जो है लोगों की भलाई के लिए काम करे, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए काम करे, पावर्टी को दूर करने के लिए काम करे। उसके बाद ये बात करते हैं प्रोटेक्शनिज्म की। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है जब कोई सरकार जो है अपने बिजनेसमैन को, अपने ट्रेडर्स को बचाने के लिए बाहर के कॉम्पिटिशन से उस पर क्या लगाती है, ज्यादा से ज्यादा बाहर के कॉम्पिटिटर्स पे टैक्स लगाती है, ताकि अपने उनका जो अपना सामान है भारत का, जैसे अपने लोगों का सामान जो है भारत के लोग ज्यादा खरीद सकें और जो बाहर से आने वाला सामान है वो कम खरीद सके। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, मतलब फ्री ट्रेड को ये सपोर्टर नहीं होते। जो लेफ्ट विंग वाले होते हैं वो फ्री ट्रेड के सपोर्टर नहीं होते। उसके बाद करें लेफ्ट विंग की, जो बिल्कुल ही लेफ्टिस्ट होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं कम्युनिज्म को। मतलब कम्युनिज्म का मतलब होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी देश में रिसोर्सेज हैं, वो एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो ओन करती है और उसको लोगों की एबिलिटी और नीड्स के हिसाब से लोगों को बांट देती है। कोई भी क्लास डिविजन यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कम्युनिज्म की। उसके बाद बात करें यहाँ पे, और यहाँ पर आपको याद रखना किसी भी तरह का फ्री ट्रेड भी नहीं होता, इंडिपेंडेंस नहीं होती यहाँ पे लोगों को ट्रेड करने की। उसके बाद बात करें राइट विंग की, तो राइट विंग आइडियोलॉजी ये कहती है कि यहाँ पर आपको कंजर्वेटिव देखने को मिलेंगे, मतलब जो लोग अपनी पुरानी बातों को लेकर, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस को लेकर बहुत मानते हैं उनको, उनको बोलते हैं राइट विंग। उसके बाद ये जो लोग होते हैं ये रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, रिलीजन, अपनी लैंग्वेज, अपनी रेस, अपनी कास्ट को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे जो कास्ट है, अदर कास्ट जो है, उनको क्या मानते हैं, इन्फीरियर मानते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें हिटलर की, हिटलर जो है वो क्या करता था, अपने पर्टिकुलर कास्ट को क्या मानता था, बहुत इंपॉर्टेंट मानता था, उसको ज्यादा सिविलाइज मानता था अपने आप को, और दूसरी अदर कास्ट को क्या मानता था, जैसे जूस को, उसने कितने सारे जूस को मरवा दिया था। उसके बाद बात करें राइट विंग की, तो राइट विंग के जो लोग होते हैं वो पर्सनल फ्रीडम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कि इंडिविजुअलिज्म, मतलब हर एक इंसान के पास भी फ्रीडम होनी चाहिए और हर इंसान अपने हिसाब से काम कर सके, अपने हिसाब से बिजनेस कर सके, अपने ट्रेडिशन और एक हायरार्की सिस्टम को ये मानते हैं, अथॉरिटी को ये मानते हैं कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी, एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो देश से अलग नहीं होना चाहिए। देश में, सोसाइटी में रिलीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो राइटिस्ट बिल्कुल हम जाते हैं तो वो होता है फासिज्म और इसका होता है कम्युनिज्म। तो हमारे देश में कोई भी पर्टिकुलर पार्टी, ना ही तो पूरी तरीके से जो मेजर पार्टीज हैं, ना ही तो वो पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट हैं और ना ही वो पूरी तरीके से राइटिस्ट हैं। तो अब बात करें जैसे कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस हम देखते हैं हालांकि वो सेंटर में रहने की बात करती है कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ नहीं हूँ कांग्रेस पर, कांग्रेस कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज होती हैं वो सोशलिज्म की तरफ ज्यादा होती है, तो इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, सेंटर लेफ्ट मानते हैं। ऐसी आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज और ज्यादा सोशलाइज होती हैं और ज्यादा हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन की कम होती है उसकी तरफ, ठीक है। तो ये जो होती है राइट विंग वाले जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं ये प्राइवेटिज्म की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, और ये जो लोग होते हैं ये किसकी बात करते हैं, कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की। आम आदमी पार्टी अगर हम देखें, बीएसपी अगर हम देखें, तो ये लोग जो हैं किसकी तरफ होंगे, थोड़े और पर्टिकुलर माइनॉरिटी राइट्स की तरफ होंगे और सोशलिज्म की तरफ होंगे, तो ये लोग किधर आएंगे, लेफ्ट विंग की तरफ। वहीं अगर बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी हम ये देखते हैं कि अपने कल्चर को, रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंट समझती है, पर ऐसा नहीं है कि वो माइनॉरिटीज का ध्यान नहीं रखती है, अदर कल्चर्स को क्या कर रही है, ह्यूमिलेट कर रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बीजेपी को भी हम बिल्कुल राइटिस्ट ना मान के क्या मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेंटर राइट, ठीक है। ऐसी शिवसेना उससे थोड़ी प्लस में होगी, वो और ज्यादा अपने रिलीजन को और ज्यादा सुपीरियर मानेगी, ठीक है। तो यहाँ पे और आपकी MIM जो है, मुस्लिम लीग भी अगर हम माने उस टाइम पर, तो वो भी कौन सी किस में आएगी, राइट में आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें बिल्कुल ही राइट में, तो इससे ज्यादा थोड़ी राइट में, तो इसमें आ जाएगा MNS। तो यहाँ पे इंडिया में जो